दोस्तों देखिए कि जो भी इस पंडाल के अंदर प्रवेश करेगा वो सभी सैनिटाइजर का प्रयोग करेगा, तो जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? सुधीर दास। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? सदर तहसील आगरा, जिला आगरा। तो सर सैनिटाइजर की आप देख सकते हैं कि बखूबी जो कानून की जो मर्यादा है बिल्कुल उनको गाइडलाइन को फॉलो करते हुए सर इस विषय में क्या कहना चाहोगे आप? जो भी इस पंडाल के अंदर सत्संग के लिए प्रवेश करेगा वो सैनिटाइजर के द्वारा ही करेगा, अन्यथा नहीं। ये संत रामपाल जी महाराज का आदेश है कि हमें प्रशासन ने जो बताया है उसको हमें पालन करना है। देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने भी अपने फॉलोअर्स को इतना गाइडलाइन कर रखा है कि वो भी सैनिटाइजर का उपयोग करवा के अंदर, और मास्क आप देख सकते हैं हर एक के मास्क पर, चेहरे पर मास्क मिलेगा। तो दोस्तों कितना अच्छा यहाँ पे बखूबी तरीके से सरकार की गाइडलाइन है जो भारत सरकार की, उसको फॉलो किया जा रहा है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अब आगे। नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी लोगों का हमारे भगत जी प्रोडक्शन में स्वागत है, और आज हम आपको ले चलते हैं बुढ़ेरा पर संत रामपाल जी महाराज का एक दिवसीय विशाल सत्संग होने जा रहा है, और वहाँ उनके हम पंडाल में आ चुके हैं, वहाँ की हम पूरी कवरेज आपको दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ उनका सत्संग का आयोजन किया गया है और किस तरीके से उनकी यहाँ सत्संग के अंदर भीड़ है, यहाँ किस तरीके से उन्होंने किस व्यवस्था बना रखी है और किस तरीके से उनके यहाँ श्रद्धालु अन्य समाज के लोग यहाँ संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, और संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आज उनके प्रोजेक्टर के माध्यम से यहाँ टीवी पर चल रहा है। आप देख सकते हो यहाँ बहुत बड़ी एक टीवी लगी हुई है, उस टीवी पर उनका सत्संग रिकॉर्डेड जो उनकी सीडी में रिकॉर्डेड कर लिया जाता है उसको यहाँ वो दिखाते हैं टीवी पर। यहाँ उनके जो इतने श्रद्धालु होते हैं वो टीवी में रिकॉर्डेड हुआ सत्संग उनको सुनते हैं। आज हम आपको एक अच्छी चीज़ रूबरू कराएंगे, यहाँ उनकी किस तरीके से व्यवस्था का सुचारू रूप से चलाया गया है, माता बहनों की व्यवस्था उन्होंने अलग बना रखी है और पुरुषों को बैठने के लिए व्यवस्था अलग बना रखी है। आप हमारे चैनल पर जुड़े रहें और संत रामपाल जी महाराज से जुड़ी हुई सारी खबरें आप तक पहुँचाते रहेंगे, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करते रहें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जो भी रक्तात्मा रक्तदान की सेवा करना चाहते हैं उनसे प्रार्थना है कि वो रक्तदान पंडाल में जाकर के अपना नाम नोट करा दें, और जिन भी रक्तात्मा ने रक्तदान के लिए नाम नोट करा रखे हैं उनसे प्रार्थना है कि वो रक्तदान के अंदर पहुंच जाए, और जो भी रक्तात्मा सतगुरुदेव जी से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो पुस्तकालय के पास पहुँच जाए, जो भी भक्तात्मा सतगुरुदेव जी से निःशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनसे प्रार्थना है तो पीछे पुस्तकालय के पास पहुंच जाए। सत्साई बोलो सतगुरुदेव जी की जय। आप सभी से प्रार्थना है कि अभी सत्संग के बाद में कुछ वीडियो, एक वीडियो दिखाई जाएगी, उसके बाद में असुर निकंदर रमणी मैं आपको बता देता हूँ कि एक विवाह अभी कुछ समय में यहाँ होने जा रहा है बिना दान लेन देन के। दहेज रमणी जिसे हमें गुरु बाड़ी में बोलते हैं, इसे जगत में लोग विवाह कहते हैं, शादी कहते हैं, वही एक जोड़ी का विवाह कुछ ही समय में यहाँ होने जा रहा है। तो मेरी सभी से प्रार्थना है, जितने भी मेरे जगत भाई माताएं बहनें बुजुर्ग जो भी आए हुए हैं उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, आज का दिन अपना है, आज परमात्मा के सत्संग को सुन करके जाएं और संत रामपाल जी महाराज के किस तरह से शादियां करते हैं वो भी आप देख करके जाएं। सत्साई बोलो सतगुरुदेव जी की जय। देखिए यहाँ पर इन्होंने किस तरीके से अपनी व्यवस्था यहाँ बना रखी है कि यहाँ इन्होंने एक जूता घर है, जूता घर पंडाल बना रखी है। यहाँ आप देख सकते हो कि बहुत सारी जगह मंदिरों में आप जाते हो कहीं जूते कहीं पड़े हुए कैसे क्या है, लेकिन यहाँ इनका जो संत रामपाल जी महाराज सत्संग जो हो रहा है यहाँ बहुत ही सुचारू रूप से इन्होंने व्यवस्था बनाई है। यहाँ इनके जो सेवक बैठे हुए हैं आप देख सकते हो 10-15-20 लोग यहाँ सेवक हैं, किस तरीके से जूताओं को संभाल कर यहाँ रखा जा रहा है कि आपके अंदर ऐसी कैसी भावना आई कि आप जूताओं को बिल्कुल संभाल रखा जाए? जी सर, ऐसा है कि संत रामपाल जी महाराज का ये सत्संग हो रहा है यहाँ पे, तो हम लोग अपनी सुरक्षा के साथ जूतों को रखते हैं, जैसे अन्य तरीके से नहीं रखते, जैसे इधर उधर पड़े होते हैं बड़े हिसाब से रखते हैं, गिनती के साथ रखते हैं, और अपनी पर्ची एक उस पर लगाते हैं, जूते पे लगाते हैं, एक पर्ची देखने वालों को देते हैं हम। अच्छा, ये जूते में नंबर डालते हैं उसके बाद एक पर्ची भी देते हैं जिससे कि किसी का जूता नंबर खो ना है, किसी का बदला ना जाए, तो आपने इसके लिए क्या व्यवस्था रखी है? पर्ची देते हैं, पर्ची के हिसाब से मिल जाते हैं सबके। आप यहाँ सैनिटाइजर भी रखा, आपके हाथ में सैनिटाइजर भी ले रखा है, तो ये किसका कब यूज करते हैं इसको? ये अंदर जाने पंडाल में यूज करते हैं अंदर जाने से। इन्होंने कोविड 19 का भी पूर्ण रूप से पालन किया है कि यहाँ
कोविड 19 का भी पालन किया जाए, कोई व्यक्ति यहाँ बैठा रहा है मास्क भी लगा रखा है सब लोगों ने और सैनिटाइजर की व्यवस्था कर रखी है। यहाँ छोटे बड़े बुजुर्ग सब तरीके के यहाँ इनके सेवक हैं जो बैठे हुए और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से ये यहाँ सेवा कर रहे हैं। आप देख सकते हो किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में हम आपको बार बार दिखाते रहते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से यहाँ इनकी व्यवस्था होती है, सुचारू रूप से वो यहाँ सेवा कर रहे हैं। हाँ, इन्होंने एक उपचार व्यवस्था भी कर रखी है, उपचार व्यवस्था की पंडाल भी है इनकी, यहाँ इनके सेवादार भी बैठे हुए हैं और यहाँ इनकी पुस्तकें भी साथ रखी हुई है, उसके साथ में ही इनका ये दूसरा केंद्र है। यहाँ जो उपचार प्राथमिक उपचार की व्यवस्था कर रखी है, किस प्रकार की आपकी व्यवस्था है? यहाँ पर प्राथमिक उपचार के लिए व्यवस्था की गई है। जो लोग भी सत्संग सुनने बाहर से आते हैं, अगर किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो उनके लिए फर्स्ट एड के रूप में यहाँ पर सामान रखा गया है, जिसमें किसी को डिहाइड्रेशन होता है या सर्दी जुकाम खांसी बुखार कुछ भी होता है तो उसके लिए प्राथमिक उपचार दिया जाएगा। जैसा कि बता रहा है कि अपनी व्यवस्था उन्होंने रखी है कि किसी छोटे मोटे बुखार खांसी जुकाम की अगर कोई प्रॉब्लम होती है वो यहाँ पर आके अपनी दवा ले सकता है आके। यहाँ हर चीज़ की व्यवस्था सुचारू रूप से बना रखी संत रामपाल जी महाराज के, उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था है इनकी। और आप देख सकते हो किस तरीके का इनका यहाँ सैलाब उमड़ रहा है भीड़ों का, आप देख सकते हो यहाँ लोग अभी भी आ रहे हैं, सत्संग इनका चल रहा है और फिर भी यहाँ बहुत सारी संख्या में सैकड़ों संख्या में लोग फिर भी आ रहे हैं यहाँ पे। आप देख सकते हो कि वाकई में संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में बहुत जादू है, आप कह सकते हो बहुत अच्छा ज्ञान निर्मल ज्ञान है, इस निर्मल ज्ञान को सुनने के लिए आ रहे हैं। और आप कहाँ से आए हो, क्या चीज़ है, कैसे? जी मैं अर्जुन नगर से आया हूँ, ये ब्लड डोनेट करके आया हूँ। क्या चीज़ है, दिखाओ जरा। ये ब्लड डोनेट करके आया हूँ। अच्छा, आप ब्लड डोनेट करके आए हो, तो आपके अंदर ऐसी कैसी भावना उत्पन्न हुई कि मैं ब्लड डोनेट करूँ? जी मैं बहुत दिन से सोच रहा था पर आज मौका मिला, मैंने आज कर दिया। तो ऐसा तो नहीं आपने, आपके किसी ने कहा हो कि आप ब्लड डोनेट? कोई नहीं कहेगा, मैंने अपनी मर्जी से किया है। ब्लड डोनेट करना तो अच्छी बात है, तो ब्लड डोनेट करना महादान है, चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने देखो फल फ्रूट की व्यवस्था कर रखी है, जो लोग ब्लड डोनेट करके आ रहे हैं उन लोगों के लिए जूस की व्यवस्था भी कर रखी है इन्होंने, ठेल मंगा रखी है, फल फ्रूट मंगा रखा है, तो ये पूरा जूस की जूस भी दिया जाता है, जिसका ब्लड निकलता है उसके बाद ये उनको जूस भी देते हैं। तो बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने, बहुत अच्छी यहाँ पर इनके अनुयायियों ने बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्था बना रखी है। और भी देखिए आप, यहाँ पर काफ़ी संख्या में यहाँ लोग उनके आ रहे हैं और नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? गोविंद दास। सर आपने आज ब्लड डोनेट किया है, आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, लोगों के हित के लिए ब्लड डोनेशन किया है और इससे पहले भी करते आए हैं, और ये सिर्फ संत रामपाल जी महाराज की शरण में जुड़ने के बाद ही ब्लड डोनेशन जो पता चली है कि लोगों के लिए फ़ायदेमंद है और हमारे लिए भी, हमें शरीर साल में एक डेढ़ साल में ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए। आपके अंदर ऐसी भावना कैसे उत्पन्न हुई? संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों के द्वारा। सर आपने भी अभी ब्लड डोनेट किया है, तो आपको ब्लड डोनेट करने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और एक महापरोपकार का काम है, और संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद पता पड़ा है कि ये रक्तदान करना चाहिए और लोगों का इससे भला भी होता है। जैसा कि आप ये इनके जो संत रामपाल जी महाराज की अनुयायी है ये बता रहे हैं कि ब्लड डोनेट करने से बहुत बड़ा लाभ मिलता है और लोगों की मदद। देखिए यहाँ पे ये लोग रेलवे के अधिकारी है और ये भी अपना ब्लड डोनेट करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। सदा सब लोगों का मैं इंटरव्यू अभी ले रहा था थोड़ी देर में, तो मैंने सोचा क्यों ना सब लोगों को देख कर मेरे अंदर उत्साह आ गया, तो मैंने कहा यार सब लोग भगवान के लिए सब लोगों के लिए ब्लड डोनेट कर रहे हैं, तो मेरी भी इच्छा अंदर से हुई कि भाई ब्लड दे दिया जाए, ये तो अच्छा काम है और ये तो पुण्य का काम होता है, तो मेरे अंदर से हृदय गवाह देने लगा कि हाँ ब्लड डोनेट किया जाए, तो मैंने भी दे दिया ब्लड डोनेट। बहुत अच्छा लगा है कि रिपोर्टर्स भी ब्लड दे रहे हैं, रिपोर्टिंग करते करते उनके अंदर भी उत्साह है, इट्स फैंटास्टिक टू सी दिस, अच्छा लगा सर। ऐसे भगवान ऐसे संत तो अच्छे हैं कि इनके यहाँ ऐसे अनुयायी हैं जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं, इनको देखकर मेरे अंदर भी एक उम्मीद जाग गई कि वाकई में ऐसे संत होने चाहिए संसार के अंदर और इनके लोगों के अंदर उत्साह आना चाहिए ब्लड देने के लिए और सत्ज्ञान सुनने के लिए, वाकई में धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर आपका नाम और आप कहाँ से आए हैं सर? सर मैं उमेद दास हूँ, मैं आगरा सादरा से आया हूँ। सर हम जानना चाहते हैं यहाँ पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से उनके अनुयायियों द्वारा, आप यहाँ पर मतलब इस स्वेच्छ ऐच्छिक रक्तदान है इसके लिए आपको किसने प्रेरित किया सर? ये गुरु जी के ज्ञान से प्रेरित है हम सर, और ये रक्तदान हमारे गुरु जी के ज्ञान से हम प्रेरित होकर देते हैं, ये बिना उसके देते हैं, हमें इसमें वो नहीं चाहिए।
सर, जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल आप आजकल लोग अपने परिजनों को भी रक्त देने से कतराते हैं, लेकिन आप यहाँ पर स्वेच्छा से रक्तदान कर रहे हो, इसका क्या कारण है सर? इस जैसे दान तक कोई भी होता है, लेकिन दान से बहुत फ़ायदे होते हैं, हमारे गर्म कर्म बनते हैं, हमने पिछले जन्म में ये इतने कर्म हो गए हैं, सतगुरु शरण की आके आए तले भला, और जो पाँव में सूली हो कांटे में तल जाए। अच्छा, आप कहना मतलब ये है कि ये जो हम दान धर्म जो करते हैं, इससे हमारे पुण्य कर्म बनते हैं, और जब हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं तो यही चीज़ होती हैं जो हमारे हमारे को हेल्प करती हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस। हेलो दोस्तों, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि जब से मैं इस पूरे की कवरेज कर रहे हैं सत्संगी, हम मैं देख रहा हूँ कि इतना अनुशासन, हमने कई भागवतें कई कथाएं देखी हैं, वहाँ हजारों संख्या भीड़ होती है और फिर भी लोग हो की आवाज़ रहती है, मगर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है, इतनी शांतिपूर्वक यहाँ सारे काम किए जा रहे हैं। तो आइए हमारे साथ में, सर क्या नाम है आपका? गंगाराम दास है। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? चुरारी फतेह सिकरी, जिला आगरा। तो गंगाराम जी, हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि ऐसा यहाँ क्या संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान दिया है, ऐसा उनका क्या नियम है, तो लोग सभी के सभी इतने अनुशासन में बड़े शांतिपूर्वक आ रहे हैं जा रहे हैं, यहाँ कोई शोर शराबा नहीं है? परमात्मा का ज्ञान ही ऐसा है भाई साहब, मालिक जो ज्ञान देते हैं इतना निर्मल ज्ञान देते हैं, जिसे सुनने के बाद में किसी के भी मन में कोई भी दोष नहीं रहता, कोई कुबुद्धि उसे परेशान नहीं करती, मन शांत रहता है, कोई झंझट ही नहीं रहता, जो भी रोग होता है रोग भी धीरे धीरे अपने आप ख़त्म होता चला जाता है, मालिक के मंत्रों में इतनी शक्ति है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। ये इसलिए परमात्मा के ज्ञान से सभी परिचित हैं जो भी यहाँ पे आए हुए हैं, और जब यहाँ पे 50% लोग शांत हैं, तो जो जगत के लोग जो आए हुए हैं पहली बार सत्संग सुनने के लिए, तो उन्हें देख करके वो भी शांति से ही सुन रहे हैं। सर अभी कुछ लोग कह रहे थे कि रेमेडी भी होगी, तो सर रेमेडी कोई कह शादी होगी कोई रेमेडी होगी, सर इसका हमें विस्तार से समझाइए। सर जगत तो शादी कहता है और गुरुवाणी में रेमेडी कही जाती है, यहाँ पे जो शादी होती है गुरुजी के आशीर्वाद द्वारा, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी लेन देन नहीं किया जाता, यहाँ पे लड़कों की बोली नहीं लगती, यहाँ पे चाहे कोई कितना भी बड़ा अफसर है वो भी एक पैसा खर्च नहीं कराता लड़की पक्ष से, और बड़ी शांतिपूर्वक शादी होती है और मालिक का आशीर्वाद रहता है, जब तक वो नियम में रहेंगे न तो लड़की विधवा होगी और न ही वो लड़का रड़ुआ होगा, ये मालिक का आशीर्वाद है, और न कभी भूखे मरेंगे, क्योंकि परमात्मा ज्ञान ऐसा है, परमात्मा कभी किसी चीज़ की कमी छोड़ते नहीं हैं, परमात्मा उसे ही कहते हैं जिसके ज्ञान में कोई त्रुटि नहीं है, और जो मर्यादा में रहेगा मालिक उसकी रक्षा भी करते हैं। के विशाल सत्संग में और आपको आज दिखाएंगे जलराम की सेवा, यहाँ एक नहीं दो नहीं तीन नहीं, आज 10-10 लोग 15-15 लोग सेवा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ कई सैकड़ों संख्या में लोग आए हुए हैं और उनकी सेवा के लिए अधिक लोग चाहिएंगे, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ लोग सेवा कर रहे हैं, और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह देखने को मिलती है कि कितनी शांतिपूर्वक कितनी श्रद्धा से ये सभी सेवा अपनी प्रारूप से निभा रहे हैं। तो आइए जानते हैं उनसे। सर नमस्कार। सत्साई भाजी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सहदेव दास है। सर कहाँ से रहने वाले हैं? मैं ग्राम महाराजपुर तहसील पथिया जिला आगरा का रहने वाला हूँ। तो सर आज इस सत्संग के विषय में आप कुछ कहना चाहोगे? जी, ये संत महाराज जी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग हो रहा है, यहाँ में इतनी संगत आई हुई है सैकड़ों की संख्या में हजारों की संख्या में, वो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो जल सेवा लगी है, इधर ये रक्त दान केंद्र लगा हुआ है, सभी भक्त बहुत श्रद्धा से बहुत बड़ी श्रद्धा भाव से और लगे हुए हैं, और परमात्मा की इतनी इन पर रजा है, इतनी कृपा है, सभी भक्त दौड़ दौड़ के आ रहे हैं और सेवा कर रहे हैं। और सर आपकी क्या सेवा? जलराम की सेवा है सर। क्या नाम है आपका? ब्रह्मजीत दास। तो सर आप कुछ कहना चाहोगे? हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी का विधान है ये कि भारत को दहेज मुक्त, नशा मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त कराना है। संत रामपाल जी महाराज वर्तमान में पृथ्वी पर पूर्ण गुरु के दावेदार हैं। संत रामपाल जी महाराज ही आज युवा पीढ़ी पढ़ी लिखी है, किसी भी मोबाइल इंटरनेट कनेक्ट पे शो करके देखो, उसमें बोलो कि वर्तमान में पूर्ण गुरु पृथ्वी पर कौन है, तो किसी ऐप में बोल सकते हो आप,
संत रामपाल जी महाराज ही निकल के आएंगे। और संत रामपाल जी महाराज जी का ये बहुत बड़ा मिशन है, पूरे विश्व में ये चलेगा, धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे हमने देखा, जैसे भैया ने बताया इन्होंने कि अगर हम गूगल पर सर्च करेंगे कि हु इज गॉड, तो वो निकाल के देगा आपको कि कबीर इज गॉड। और पूर्ण गुरु के नाम से भी निकालोगे तो संत रामपाल महाराज का सबसे पहले वीडियो निकल के आएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान संसार में नहीं, आज सोशल मीडिया के माध्यम से भी और हजारों करोड़ लोगों तक जा रहा है। तो आइए दोस्तों आपको दिखाते हैं कवरेज। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं चाय वाले पंडाल में और आज आपको इन कुछ लोगों से मिलाते हैं जो ये संत रामपाल जी महाराज के फॉलोअर्स हैं। इन्होंने ये चाय की स्टॉल लगा रखी है, आप देख सकते हैं कि यही छोटे छोटे गिलास सब कितनी सफाई के द्वारा रखे हुए गिलास यहाँ पे और ये चाय के लिए रखे हुए हैं। तो आइए जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? जसवंत दास। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं पतियावाद का रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से विशेष क्या कह जाओगे? संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा हैं और ये सत संदेश दे रहे हैं सब पूरे जनता को, पूरे विश्व को दे रहे हैं। वो इनकी शरण में आइए, अपना कल्याण कराइए। और देख सकते हैं कि संत रामपाल पूर्ण परमात्मा है। तो सर संत रामपाल पूर्ण परमात्मा कैसे है? जी पूर्ण परमात्मा है, इस वजह से शास्त्र प्रमाणित हैं और प्रमाणित करके सदग्रंथों में दिखा रहे हैं कि कबीर ही पूर्ण परमात्मा है। ये पूर्ण परमात्मा है और शास्त्र विधि अनुसार भक्ति करा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से यहाँ कुछ लोग नाम उपदेश ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कितने लोग बैठे हुए हैं और नाम उपदेश ले रहे हैं और यहाँ कुछ सेवादार भी खड़े हुए हैं। तो इनसे जानते हैं कि इनके कोई संत रामपाल महाराज के कोई नियम रूल्स हैं या नाम दक्षिणा ऐसी दी जाती है लोगों को? नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा संजय दास नाम है। तो सर संत रामपाल जी महाराज से जो ये लोग नाम से ले रहे हैं, इसके लिए सर कुछ नियम रूल्स भी हैं कुछ? बिल्कुल सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले 11 नियम बताए जाते हैं। जैसे एक दो नियम का कुछ करें? बिल्कुल सर, पहला नियम तो हमारे यहाँ ये है कि हुक्का बीड़ी मांस तम्बाकू शराब इसका सेवन निषेध है। दूसरा, ऐसे व्यक्ति का झूठा नहीं खाना है जो नशीले पदार्थों का सेवन करता हो। जुआ ताश कभी नहीं खेलना है और छुआछात नहीं मानना है। हम सभी एक परमात्मा के बच्चे हैं, जब भगवान ने किसी जाति मजहब में अंतर नहीं किया तो हम क्यों करें। और दहेज लेना है देना है ये सब नियम है। और एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति बताते हैं परमात्मा सब। तो सर जो लोग आज जो ज्ञान ले रहे हैं, इनको सर कुछ नामदा लेने से कुछ लाभ होगा प्राप्त कि नहीं? बिल्कुल होगा सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद जो भी भगत श्रद्धालु हैं वो अपना अनुभव बताते हैं, जैसे इंटरव्यू हमारे साधना चैनल के माध्यम से आते हैं और भी चैनल हैं, तो उन पर अपना जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताई गई सतभक्ति है उससे जो चमत्कार हो रहे हैं वो अपने जीवन में जितने भी चमत्कार प्राप्त हो रहे हैं वो सब अपना अनुभव बताते हैं। सर क्या नाम है आप? मेरा संजय दास नाम है। कहाँ रहने वाले हैं? मैं एदमादपुर तहसील से हूँ। तो आपने देखा कि संजय दास जी ने हमको बताया यहाँ के बखूबी अच्छी तरीके से कि जो हमारे संत रामपाल महाराज के जो नियम होते हैं उन नियमों के तहत ही नाम दर्ज दिया जाता है। तो जब भी जीव अपना उद्धार कर सकता है पूर्ण परमात्मा की सदभक्ति उसे प्राप्त होगी। तो आइए अब आपको आगे दिखाते हैं। Oh,
बंदी चोट सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सच्चाई बोलो सतगुरु देव जी की जय। सभी भक्तात्मा से प्रार्थना है कि मालिक के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए। सर नमस्कार सर, आपका आज जो विवाह है ये किस प्रकार का विवाह है? बिल्कुल अलग है और इस विवाह में ना तो कोई दहेज दिया जाता है ना और किसी प्रकार का कोई भी जगत का जो कार्यक्रम किया जाता है वो नहीं होता। आप रहने वाले कहाँ के हो? जी टेढ़ बगिया अहमदपुर तहसील। आपके परिवार वालों ने और आपके जो वधु जो आपकी धर्मपत्नी बनी है तो इन दोनों के परिवारों ने दोनों राजामंदी से विवाह संपन्न हुआ? जी दोनों के परिवार वालों ने नाम इच्छा ले रखी। तो आपके विवाह में कोई दान दहेज नहीं लिया गया? जी नहीं, कोई भी दान दहेज नहीं लिया गया। अच्छा, जो बहन जी आपके जो विवाह हुआ है आज, आप कहाँ के रहने वाले हो? जलेसर से रहने वाले हैं। आपका जो विवाह हुआ है कोई जोर जबरदस्ती से शादी तो नहीं हुई आपकी? नहीं। आपके अपने परिवार से आपकी सहमति से विवाह हुआ है? अच्छा, आपके विवाह में कोई बैंड बाजा ना कोई शादी, आपको हर लड़की को शौक होता है कि हमारा दूल्हा घोड़ी बैठ के आए, हल्दी की रस्म हो, मेहंदी की रस्म हो, ऐसे आपके विवाह में तो कुछ हुई नहीं? ऐसा होना भी नहीं चाहिए तो ऐसे नहीं। समाज में तो आजकल ऐसा हो रहा है और हर बिटिया की शौक होता है कि हमारा भी विवाह इसी तरीके से हो, मैरिज हो, बड़ी अच्छी दावत हो और लाखों रुपए खर्च हो, तो आपके विवाह में तो एक रुपया खर्च नहीं हुआ, शादी होगी। ये सब बेकार की चीज़ें हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है कि लड़ी के द्वारा ही शादी होनी चाहिए, ये तो सारी बेकार की होती है। ठीक है, धन्यवाद।